कमल टेक हेल्प यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो। इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा 12 वोल्ट डीसी कन्वर्टर को जो बैटरी से चलता है उसको 220 वोल्ट एसी सप्लाई इसके साथ चला सकते हो। जब घर की लाइन अवेलेबल नहीं रहेगा तो बैटरी पे ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा कन्वर्टर। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले एक एसी कॉर्ड लेंगे, मेरे पास पुराना था। इस पर देख सकते हैं लाइन और नेगेटिव दोनों का निशान दिया हुआ है, इससे समझने में आसानी होगी। कन्वर्टर बॉक्स से बैटरी और एलईडी बल्ब का कनेक्शन अलग करते हैं। बॉक्स के पीछे जो बैटरी का रेड और ब्लैक दो सप्लाई वायर है, दोनों होल में से दोनों वायर को एक होल में से लाएंगे ताकि एक होल बच जाए, एसी कॉर्ड को अंदर सेट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह अंदर फंसाएंगे एसी कॉर्ड को, तो अलग से होल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अंदर की सर्किट बोर्ड से जो वायर आउटपुट सॉकेट के साथ सोल्डरिंग किया हुआ है आप देख सकते हैं रेड और ग्रीन। तो रेड वाले को जो फेज का सोल्डर किया हुआ है रेड वायर को निकालेंगे। आपके कन्वर्टर में इस तरह की जम्पर वायर लगा होगी, मेरे भी था, मैंने चेंज करके वायर लगाया था ताकि कोई शॉर्ट वगैरह की प्रॉब्लम ना आए। तो रेड वाले को मैंने सॉकेट से अलग कर दिया, तब देख सकते हैं ग्रीन वाला लगा है। ये मेरे पास पुराना 12 वोल्ट का रिले लेंगे यूपीएस का, तो उसमें से निकाले, तो उसके साथ एक प्रोटेक्शन के लिए 4007 डायोड लगाएंगे सप्लाई दो पिन के साथ। कन्वर्टर बॉक्स से जो रेड वायर सर्किट बोर्ड से मैंने सॉकेट से निकाल लिया था उसको नॉर्मली क्लोज वाले पिन के साथ रिले की उसके साथ सोल्डरिंग करेंगे। और एक छोटे तार का टुकड़ा लेंगे, उसको कॉमन वाले पिन के साथ सोल्ड करेंगे रिले की, और दूसरे एंड को आउटपुट सॉकेट के फेज वाले पॉइंट के साथ सोल्ड करेंगे जहाँ पर रेड वायर पहले सोल्डर किया हुआ था। एसी कॉर्ड के न्यूट्रल ब्लू वायर को आउटपुट सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट पर सोल्ड करेंगे जहाँ पर मैंने ग्रीन वायर सर्किट बोर्ड से लगाया था उसी पॉइंट पर। इससे होगा ये कि न्यूट्रल हमारा सर्किट बोर्ड आउटपुट सॉकेट और एसी कॉर्ड का कॉमन रहेगा, और ब्राउन वायर जो फेज का है उसको नॉर्मली ओपन वाले पिन के साथ सोल्ड करेंगे रिले का। अब हमें चाहिए रिले की सप्लाई के लिए एक पावर सप्लाई। मेरे पास छोटा सा 12 वोल्ट का SMPS है, मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। आप ट्रांसफर भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन इसमें रखने की जगह कम है, इसलिए SMPS ही बेस्ट रहेगा। SMPS की रेड और ब्लैक वायर को रिले के साथ सप्लाई पिन के साथ सोल्ड करेंगे, और सोल्ड करने के बाद कुछ इस तरह देखेगा। और SMPS की जो इनपुट सप्लाई 220 वोल्ट का जो दो ब्लू वायर है, इन दोनों को जो एसी कॉर्ड मैंने लगाया है उसके साथ लगाएंगे, एक न्यूट्रल पे और एक फेज पे। SMPS कन्वर्टर बॉडी के साथ टच ना हो इसलिए प्लास्टिक के बॉक्स के ऊपर रखा है सेफ्टी के लिए। अब हम बैटरी का कनेक्शन जोड़ेंगे और देखेंगे। बल्ब भी पीछे लगा दिया है, एक 9 वाट का बल्ब है, तो 220 वोल्ट इनपुट सप्लाई के लिए एक
एक्सटेंशन कॉर्ड तो नहीं, जस्ट 5 पिन सॉकेट वाला 3-4 एक बोर्ड लगा दिया है। और उससे पहले एक एलईडी और 1K रेजिस्टेंस सीरीज करके लगा के रिले के साथ, जो SMPS का पावर सप्लाई है, रिले की सप्लाई पिन के साथ लगाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव देख के। इससे हमें AC लाइन अवेलेबल है या नहीं समझने के लिए आसानी होगी LED देख के। मैं एक बार कन्वर्टर बॉक्स को पावर स्विच ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ। जैसा नॉर्मली ऑन ऑफ होता है वैसे ही वर्क कर रहा है। और अब हम AC इनपुट 220 सप्लाई देंगे पावर कट के ज़रिए। अब सप्लाई देता हूँ, आप LED पर जो रिले में लगा है उस पर फॉलो कीजिए। जैसे मैं लाइन दूंगा तब LED बल्ब जो लोड पर लगा है वो डायरेक्टली ऑन हो जाएगा, क्योंकि मेरा पावर स्विच ऑफ है। जब मैं ऑन करूँगा पावर स्विच तब कोई फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि AC इनपुट 220 वोल्ट में ही चल रहा है ये बल्ब या लोड। अब अगर AC लाइन को हमने कट कर दिया तो डायरेक्टली बैटरी से लोड लेके लोड चल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि इस तरह की वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं, धन्यवाद।